You're mine. सब गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है भीमताल में हमारा डे टू। अभी 8 बजे है और आज का कुछ ये प्लान है कि अभी हम जाएंगे नैनीताल के लिए, निकलेंगे। ब्रेकफास्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है होटल की तरफ से, तो पहले फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जाएंगे हम नैनीताल के लिए। तो यार जल्दी से चलते हैं और सारा तामझाम यहाँ से लेकर नैनीताल के लिए चलते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो होगी वो होगी नैनीताल के ऊपर। As you can see, I'm almost ready। और थोड़ा सा प्लान में चेंज है, नीचे जाके नहीं खा सकते क्योंकि शीरो अलाउड नहीं है रेस्टोरों में, तो हमने रिजेक्ट मार दिया है रेस्टोरों को और अब हमने ऑर्डर कर लिया ऊपर। तो पहले जल्दी से खाना खा के और निकलते हैं। शीरो को पहले वो चाहिए, पत्रिका जाना है। ब्रेड ऑमलेट है या सिर्फ ऑमलेट है? सिर्फ ऑमलेट है ना? सिर्फ ऑमलेट है, ब्रेड ऑमलेट है, अंदर ब्रेड लगी तो है। व्यू पॉइंट पर नैनीताल से थोड़ा पहले है ना, काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ से, काफ़ी बढ़िया है। मतलब थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये, लेकिन बट यू कैन एंजॉय द व्यू है। सो वी हैव रीच्ड नैनीताल और ये है पीछे मेरे नैनीताल की लेक, काफ़ी बड़ी लेक है। और यहाँ पे अभी हम करेंगे बोटिंग। थोड़ा शीरो को आराम करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम हो जाए, थोड़ी सी हवा खा ले क्योंकि धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे। ऑल द टेम्परेचर थोड़ा लो ही है लेकिन धूप काफ़ी तेज है। तो दो दो बोट करेंगे और फिर शीरो, मैं और मम्मी और छाया और भाई चलेंगे बोट में। तो जल्दी से बोट कर लेते हैं और फिर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं आगे का सीन। बोट हमने बुक करवा लिया, दिस इज़ आर बोट। शीरो और मैं और मम्मी बस जाने के लिए तैयार। भाई और छाया की बोट आ रही है, तो उसी का वेट कर रहे हैं। A teenager's romance is fickle or true. A teenager's romance is red hot or blue. मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शीरो भी मजे ले रहा है शीरो के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है काफी। और भैया ये चला रहे हैं, तुम्हारे बढ़िया व्यू है। दो पहाड़ों के बीच में है ये लेक। काफ़ी मतलब सनी सा मौसम हो रहा है। और आप बताओ मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सामने पहाड़ हैं दोनों तरफ। वर्थ है नहीं की, लेकिन थोड़ी भीड़ है नैनीताल में। हाँ। नैनीताल में भैया इतनी भीड़ रहती है या कम है भीड़? आज कम है, आज तो जाम इतना लगा हुआ है पूरा। कम है भीड़ है, अभी अक्टूबर के बाद आना, अभी भीड़ देखना। अच्छा जी, भैया बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है अगले हफ्ते। चलो इस हिसाब से तो ठीक आ गए। भीमताल में भीड़ नहीं थी, भीमताल में भीड़ नहीं, हमने भीमताल में ही ले रखा है, वहाँ पे कम है भीड़। नहीं मतलब अगर जैसे कि हमें पैदल का क्या है यहाँ पर, अगर ठंडी सड़क है यहाँ पर। अच्छा माल रोड टाइप है वो, माल रोड उधर है। अच्छा और यहाँ पे देखने के लिए क्या, जू वगैरह भी है? जू है, खुला हुआ है आज। अच्छा अशीरा, शीरो धूप तो नहीं लग रही बेटा? धूप भी लग रही है और हवा भी लग रही है। शीरो को मज़ा आ रहा है? शीरो, शीरो से पूछ रहा हूँ कि मैं, शीरो को मज़ा आ रहा है? शीरो बता दे, शीरो घूमी कर रहा है, शीरो शीरो ले रहा है मज़े सन के, आसमान के, अपना लेक के, है ना भैया? नीचे ये स्टिल वाटर में तो यार काफ़ी जान लगती होगी, है ना? बहुत ज़्यादा जान लग जाती होगी, तो फिर जो पैडल चला रहे हैं उसमें तो और ज़्यादा लगती होगी। अरे कितनी हो जाती होगी आपकी सवारी एक दिन में? सवारी तो पर डिपेंड करता है कि जल्दी कहाँ पे जाए। नहीं मतलब सवारी हमसे आगे, फिर भी 10-12 चक्कर सही है फिर। नैनी
नैनीताल में ऐसा कुछ और घूमने का तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. मतलब अभी लेक पर ही यहाँ पर हमने करी है बोटिंग और शीरो को वॉक करवा रहे हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और भीड़ पता नहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ घूमने का है नहीं, क्योंकि हिल टॉप पे ले जाते हैं और पॉइंट व्यू पॉइंट दिखाते हैं बस. बाकी हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट और यहाँ पे एक केव भी है, ज़ू भी है. ऑल दो शीरो को अलाउड नहीं है ज़ू में जाना, तो ज़ू का तो प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा. बट वी विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट द केव. आज का स्टॉप है बेसी. तो अभी हम रुके हैं लंच के लिए. ये जगह है अम्बेसी और यहाँ पे आउटडोर है, तो शीरो भी अलाउड हो चुका है. शीरो वैसे रेस्ट कर रहा है. और शीरो थोड़ा रेस्ट कर रहा है. बाकी हमने मंगाया है मसाले डोसे, दो मसाले डोसा और दो प्लेन डोसा. और ये सही है कि ये बिल्कुल व्यू के साथ है, तो काफ़ी अच्छा है. बाकी यहाँ पर खाते हैं और देखते आगे चलते हैं. बाइकिंग का मजा तो बाइकिंग का है यार, जितना तू व्यू कर सकता है एक्सप्लोर वो तू कार में नहीं कर सकता ना. कार में बस वो होती है, आप जल्दी पहुंच जाते हो और एक कंफर्ट होता है, और बाइक और ज्यादा बंदे एक्सप्लोरेशन होती है, ये एडवेंचर होता है. लेकिन फिर भी अब जैसे वो फैट बॉय पर आया हुआ था हार्ले डेविडसन पर, अलग भाई इन सड़कों पर चलाने का मजा ही अलग है. वो कार वो बाइक डेविडसन भी तो होनी चाहिए ना, वो अलग बात है. नहीं यहाँ आके जैसे बुलेट वगैरह ले लो तो भाई सही है ना यार वो. मतलब मनाली से रोहतांग पास जाओ, अटल टनल से घूमते फिरते आराम से. अब जनवरी में तो बर्फ भी होती तो है बढ़िया. घूमना होगा ना, वो बाइकिंग नहीं हुई, वो लोकल वो हो गया साइड सीन. तो बाइकिंग क्या हुई फिर? बाइकिंग हुई आप अपने घर से किलोमीटर जाते हो चला के, बीच में टेंट लगाते हो या कहीं रहते हो, फिर अगले दिन दोबारा बाइक चलाते हो. एक एक्सपेडिशन है वो. तो फिर ग्रुप में सही है. हम तो तीन लोग गए थे उसमें. तीन लोग ग्रुप में ही आते हैं. ग्रुप चार का होता है, तीन का होता है, चार का स्क्वाड होता है. और अच्छे से पहन तुझे बोले लग गए. बुलेट अच्छा है वैसे, अच्छा लग रहा है इसको. हाँ, इसमें अच्छा लग रहा है. सबसे अच्छी बात क्या है, ये मिट्टी का है. तो तुम कुल्लड़ में क्यों नहीं पी रहे चाय? क्योंकि उसमें ठंडी ठंडी बहुत जल्दी आती है. कुल्लड़ में यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर नॉट फ्रॉम अमेरिका, नो यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली. वेयर आर यू फ्रॉम? कनाडा. ओ हो हो. तीन चाय लिए, 10-10 रुपए बचे, 30 रुपए का पोता हो जाएगा. ये मैथ्स में नहीं समझता. 10-10 रुपए वाली, 10 करोड़ रुपए वाली मैथ्स है मेरी. 10 करोड़ में जीरो होता है. चल फटाफट. अभी हम आया है यहाँ आगे, यहाँ की भाषा हो गई है. अभी हम आया है नर्सरी, तो देखते हैं यहाँ पे रेट कैसा है और कितने अच्छे, काफ़ी अच्छे फूल हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने बढ़िया फूल हैं. कछुआ, कछुए के पीठ पे लगाया जाता है भैया. कछुए वाला गमला आपके पास? ये अब इनका रेट सही लगा लो सबका. ये सही लगाएं, इसका तो रेट सही लगा. डिनर करने के बाद आ चुका हूँ मैं रूम पर वापस, और काफी आपने देख लिया होगा कि मैं कर चुका हूँ चेंज बैक टू नाइट टी शर्ट, नाइट लोअर. और यार काफी ज्यादा थक चुके हैं आज नैनीताल जाकर. ऑल्दो मेरे को नैनीताल इतना कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि मेरे को भीमताल ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउड नहीं था, ज़्यादा शांति मिली. और नैनीताल बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, सो आई प्रेफर भीमताल ओवर नैनीताल. दैट्स माय ओपिनियन. लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप क्या प्रेफर करते हो. अगर आप कल गए हो या जाओगे तो आप शांति वाली जगह ज़्यादा प्रेफर करोगे या प्रेफर करोगे क्राउडेड प्लेस? ऑल्दो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जाना ट्राई करना एक बार जरूर जाना अगर आप नहीं गए तो. लेकिन ठीक है, आई प्रेफर भीमताल, यू नो. अब चलता हूँ यार मैं सोने, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर जाना है वापस घर. संडे का दिन है, ट्रैफिक भी मिलेगा, तो बस मैं जा रहा हूँ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि और मेहनत कर करके मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूँ. मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में.